आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। काफी सारे दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें काफी सारे लोग हैं जो नीदरलैंड जाना चाहते हैं। लगातार क्वेश्चंस आते हैं कि नीदरलैंड्स में जॉब कैसे मिलती है, विदाउट किसी हेल्प के खुद हम वहाँ पे वैकेंसी कैसे ले सकते हैं, वर्क वीजा कैसे ले सकते हैं, परमिट कैसे ले सकते हैं, वहाँ पे सेटल कैसे हो सकते हैं, माइग्रेट कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रिलेवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं नीदरलैंड्स को लेके। तो इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में मैं सारे आंसर्स आपको देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प आप नीदरलैंड्स में सेटल हो सकते हैं, अपने लिए जॉब कंफर्म कर सकते हैं, वर्क वीजा ले सकते हैं बेसी से। उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको चलना होगा, और साथ में मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपका वर्क वीजा का सक्सेस रेट वो इंक्रीज हो जाए, और किन चीजों का ध्यान रखना है और उनको अवॉइड करना है ताकि आपकी प्रोफाइल डैमेज ना हो। तो अगर आप नए विजिटर हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अलग अलग कंट्रीज की हम लोग लाते रहते हैं, हम लोग बताते रहते हैं कि अलग अलग देशों में, आप देखिए इस चैनल में बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेगी जो अलग अलग देशों में कैसे आप वर्क वीजा ले सकते हैं, वहां पे कैसे सेटल हो सकते हैं उसकी जानकारी दी जाती है। आप वो भी आप खुद कैसे कर सकते हैं विदाउट किसी एक्सटर्नल हेल्प के, आपको किसी के पास आने की जरूरत नहीं, हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है। ये सारी डिटेल्स आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहती है। तो नीदरलैंड का अगर आपको वर्क वीजा लेना है तो तीन चीजें आपके पास अच्छे से आपको ध्यान रखनी होगी, तीन चीजें आपको अपने पास रखनी होगी। सबसे पहले तो पेशेंस, दूसरा टाइम, तीसरा एफर्ट। ये मैं पहले भी बताता हूं, जब भी मैं आपको ऐसी इमिग्रेशन पीआर या वर्क वीजा वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं तो मैं आम तौर पे इन चीजों को बड़े अच्छे से आपको समझाता हूं। वो इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम लोग प्रोसेस शुरू तो करते हैं लेकिन खत्म नहीं करते, क्योंकि सबको ये लगता है कि शुरू करते ही दो दिन में हमें सब कुछ हो जाएगा और तीसरे दिन जाके हम नीदरलैंड्स में, फ्रांस में, इटली में, यूके में सेटल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इसमें आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि आप ये प्रोसेस खुद कर रहे हैं। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू भी कराते हैं ना तब भी महीनों का समय लगता है, यहां तो आप फिर भी खुद कर रहे हैं, तो इसलिए आपको पेशेंस चाहिए। दूसरा टाइम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस के साथ साथ टाइम, बिल्कुल दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो आपके पास टाइम भी अबंडेंस में होना चाहिए। थर्ड एफर्ट, एफर्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एफर्ट कहां लगेंगे, कैसे लगेंगे, वो भी अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि देखिए, अगर आपको लाखों रुपए बचाने हैं, आप नहीं चाहते किसी एजेंट के थ्रू जाना, किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाना, और चाहते हैं कि मैं अपने लाखों रुपए बचा के खुद जाऊं, तो फिर आपको एफर्ट्स तो अच्छे से करने ही पड़ेंगे। तो वर्क वीजा के लिए इन तीन चीजों के अलावा सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वहां पे आपके पास एक कंफर्म्ड जॉब होनी चाहिए। वो मिलेगी कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो उस कंपनी के थ्रू मिल जाता है। जब भी जॉब कंफर्म होती है तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। काफी सारी कंपनीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती हैं, तो आपको एक लॉयर को इन्वॉल्व करना होगा अगर वो नहीं देती हैं, और उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा। थर्ड, आपके पास वहां का रेजिडेंसी परमिट या वर्क परमिट होना चाहिए। जब भी आप ऐसी वैकेंसीज कंफर्म करते हैं उसी टाइम आपको क्लियर कर दिया जाता है कि आपको रेजिडेंसी परमिट लेना है या वर्क परमिट लेना है। आमतौर पर कहा यह जाता है कि वर्क वीजा अपने आप में एक रेजिडेंस परमिट होता है, तो जो भी है, चाहे रेजिडेंस परमिट है या वर्क परमिट है, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर आती है नंबर आपका वर्क वीजा का। तो सबसे पहले आते हैं कि वहां पे वैकेंसी कैसे मिलती है। आपकी स्क्रीन पे कुछ लिंक्स इस वक्त फ्लैश कर रहे होंगे, पहले मेरी बात सुनेंगे फिर उसके बाद आप उस लिंक्स पे जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। देखिए, आप जब भी अकेले जब भी अप्लाई करते हैं विदाउट किसी एक्सटर्नल हेल्प के, एक्सटर्नल हेल्प से मेरे कहने का मतलब है कि आपका यूरोप में भी अगर कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, और यहां पर भी आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प नहीं ले रहे हैं, कोई बीच में कोई एजेंसी भी इन्वॉल्व नहीं है, और सब कुछ आप सेल्फ कर रहे हैं, तो उस केस में आपका सबसे पहला सपोर्ट सिस्टम तो ऑब्वियसली इंटरनेट ही होगा। इंटरनेट के बगैर आप वहां पे कैसे पहुंचेंगे? इंटरनेट में काफी सारे आपको लिंक्स मिलेंगे जिसमें बहुत सारे फेक लिंक्स भी होते हैं और काफी सारे जेन्युइन लिंक्स भी होते हैं, वो आपको खुद एक्सप्लोर करना होगा। हम जो सोर्सेज आपको बता रहे हैं, जो अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे थे, ये वो रिलायबल सोर्सेज हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। हम इनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इनके साथ बिजनेस करना ना करना ये आपका अपना डिसीजन है। सिर्फ मैं आपको एक वे आउट बता रहा हूं, आपने इन सोर्सेज में, लिंक्स में जाके अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल बनाना बड़ा आसान है, जैसे कि हम फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी सारी डिटेल्स उसमें डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालते हैं, इंटरेस्ट डालते हैं, फोटो अपलोड करते हैं और हमारी प्रोफाइल बन जाती है। कुछ कुछ मिलता जुलता यहां पर भी होता है। इन लिंक्स में जाके आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, अपना सीवी रिज्यूमे जो होता है वो अपलोड करना होता है। नाउ कमिंग टू सीवी रिज्यूमे, ये मैंने पहले भी बताया था, मैं आज फिर रिपीट कर देता हूं। जब भी आप अपना सीवी रिज्यूमे कभी भी इंटरनेशनल जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर कि आपके सीवी और रिज्यूमे के साथ साथ कवरिंग लेटर भी हो। यहाँ पे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपना सीवी भेज देते हैं, उसके साथ एक कवरिंग लेटर होना चाहिए। कवरिंग लेटर होता है जो एक इंट्रोडक्शन होता है आपकी कंप्लीट प्रोफाइल का।
एक छोटे से पैराग्राफ में आप एक्सप्लेन कर देते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है या मेरा ये प्रोफेशन है और मुझे पता लगा आपके पास ऐसे ऐसे वैकेंसी है और मेरे को इतना एक्सपीरियंस भी है, तो आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। ऐसे करके एक कवर लेटर बनता है जो हार्डली 10-12 लाइन का होता है। आप वो कवर लेटर जरूर साथ में अटैच करें और मेक श्योर आपका सीवी और कवर लेटर दोनों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड हों। यहाँ पे वो पुराने घिसे पिटे जो फॉर्मेट्स हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, मेक श्योर कि सिर्फ वो ना हो जिसमें ऑब्जेक्टिव लिख दिया टू वर्क फॉर द कंपनी डे एंड नाइट और फलाना धमकाना, जिसकी कोई सेंस भी नहीं बनती है। तो ऐसी चीजें ना करें, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपना रिज्यूमे और अपना कवर लेटर दोनों प्रॉपरली अपडेट करें। उसके बाद जब भी आप अपनी इन प्रोफाइल बनाते हैं इन लिंक्स पे जाके, उसके बाद आप जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि आप टेक्नीशियन हैं, आपने टेक्निकल जॉब्स वहां पे सर्च करी हैं और वहां पे आपको 10 20 30 50 अलग अलग लिंक्स में जाके टोटल 50 वैकेंसीज आपको मिल गई। आपने सभी 50 के 50 वैकेंसीज में अप्लाई करना है वन बाय वन और वो भी प्रॉपरली। ये ना सोचे कि बस मैंने तो आज ये सारा अप्लाई कर देना है, जैसा जैसा हो जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप जब भी अपना कवर लेटर और रिज्यूमे बनाते हैं तो साथ में एक छोटी सी टिप मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगा जो आपकी वीजा सक्सेस में हेल्प करेंगी। वो टिप ये है कि आप अपना कवर लेटर जो है वो डच लैंग्वेज में भी साथ में कन्वर्ट करके उसकी भी कॉपी अपडेट करें। देखिए हमेशा जिस भी कंट्री में आपने माइग्रेट करना है, चाहे आपने वर्क वीजा के लिए माइग्रेट करना हो या पीआर के लिए करना हो, अगर उस देश की लैंग्वेज की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको है तो डेफिनेटली इसकी लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। इसमें आपको जॉब मिलना भी आसान होगा और उसके अलावा वीजा में भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको डच लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती तो मेरी तरफ से पर्सनली आपको एडवाइस है कि आप डच लैंग्वेज का कोई छोटा सा कोर्स कर सकते हैं जाने से पहले। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, वहां पे इंग्लिश जो है फिर भी काफी अंडरस्टूड है। लेकिन मेरी तरफ से आपको एडवाइस रहेगी कि आप डच लैंग्वेज का कोर्स डेफिनेटली करके जाएं, ताकि बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल की डच लैंग्वेज आपको आ जाए बोलने भी और समझने भी। उससे आपके वीजा सक्सेस में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो आपने अपने कवर लेटर को ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में डच लैंग्वेज में और आपका सीवी भी आपके साथ हो गया। आपने इन प्रोफाइल्स में आपने इन सोर्सेज में जाके अपनी प्रोफाइल्स भी बना दी, वैकेंसीज भी निकाल दी अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन और आपने उन पे अप्लाई भी कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपको फॉलोअप भी करना होता है। आप थोड़ा सा गैप देके फॉलोअप करें और ये नहीं कि डेली फॉलोअप कर रहे हैं, ऐसे इरिटेट नहीं करना। आप थोड़ा सा गैप दे 10-1 दिन का और फिर उसके बाद आप वहां पे फॉलोअप करें कि भाई आई हैड अप्लाइड फॉर द वैकेंसी इन योर कंपनी, इज देयर एन अपडेट फॉर मी, आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू व्हेनेवर यू वांट मी टू। इस तरीके से आप अपने आप को उनके सामने अवेलेबल कर सकते हैं और इन वैकेंसीज को फॉलोअप में ला सकते हैं। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें और ध्यान देने की होती हैं कि आपने वैकेंसीज में वहीं पे अप्लाई करना है जिसका एक्सपीरियंस और एजुकेशन आपसे मैच करता हो। ऐसा ना हो कि आपका टेक्नीशियन का पूरा एक्सपीरियंस है, आपने जॉब आपने जो स्टडीज कर रखी है होटल मैनेजमेंट की कर रखी है और आप कोई वेल्डिंग जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, सब कुछ भी मेल नहीं खा रहा है ना, तो ऐसे केस में आपके पास कोई कॉल नहीं आएगी। आप लगातार मेहनत करते रहिए, कुछ नहीं होगा। ये एक तरह से हो गया दीवार को पुश करने वाली मेहनत होगी, कोई स्मार्ट वर्क नहीं है ये। तो आपको स्मार्ट वर्क वो होता है जिसमें आपका खास तौर से एक्सपीरियंस है, आप उन्हीं वैकेंसीज में अप्लाई करें और वो एक्सपीरियंस जिसका आपके पास प्रूफ हो, जैसे सैलरी स्लिप्स हो, रिलीविंग लेटर हो, ज्वाइनिंग लेटर हो, ताकि जब वो कंपनी आपका इंटरव्यू ले, आप इंटरव्यू पास कर गए तो उसके बाद जब वो क्रॉस चेक करेंगे सारे डॉक्यूमेंटेशन तो कोई भी उनको डाउट ना मिले। इसलिए आपके पास जहां जहां के प्रूफ है वो आपको अवेलेबल करने होंगे, जैसे ज्वाइनिंग लेटर हो गया, रिलीविंग लेटर हो गया, रेजिग्नेशन लेटर हो गया, आपकी सैलरी स्लिप्स होगी, चाहे अलग अलग कंपनीज के हैं तो अलग अलग स्लिप्स दिखा सकते हैं। अगर सैलरी स्लिप्स आपके पास नहीं है, पुरानी कंपनी है उसकी नहीं है, तो उस टाइम की अकाउंट स्टेटमेंट आप ऐसा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जिसमें आप दिखा सकते हैं कि देखिए उस टाइम की मेरी अकाउंट स्टेटमेंट है और ये देखिए मेरे पास सैलरी आई हुई है। उनको कोई मतलब नहीं है आपके अकाउंट में कितने पैसे, उनको कोई मतलब नहीं है आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, उनको आपकी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं कि जो सैलरी आप उनको बता रहे हैं कि आपको मिलती थी, क्या वाकई आपको मिलती हुई थी या ब्लफ कर रहे हैं। इज दैट सिंपल। क्योंकि आप भी जब किसी को एम्प्लॉय करेंगे, कोई भी आपके पास आ रहा है, तो यही सारे डाउट्स आपके मन में भी आएंगे और आप उनसे खुद भी प्रूफ मांगेंगे कि आप बता रहे हैं कि आपने इतना जॉब किया हुआ है तो प्लीज बताइए आपके पास प्रूफ क्या है। तो आप दिखाएंगे, देखिए जी मेरे पास ये ज्वाइनिंग लेटर है, मेरे को अब मिला था, और ये मेरा रिलीविंग लेटर है, रेजिग्नेशन लेटर है, जो भी है मैंने खुद छोड़ा था, और ये देखिए इनके बीच में 2 साल का गैप है और ये मेरे पास 2 साल की पूरी सैलरी स्लिप है टू सपोर्ट माई क्लेम, और इसके प्रूफ में ये अकाउंट स्टेटमेंट है जिसको आप क्रॉस वैलिडेट कर सकते हैं। वो इतनी आगे तक जाएंगे नहीं, लेकिन अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अपने आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए,
तो आपकी प्रोफाइल पे चार चांद लग जाएंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपके लिए, ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप ये सारी चीजें पहले से ही करके रखें तो आपको वैकेंसी या जॉब मिलने के बहुत बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो जब आपका ये सारा क्लियर हो गया, आपने फॉलोअप लिया, तो उसके बाद सबसे नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं। अब हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो आपको यस ही कहना है। आप ये ना सोचे कि मैं अभी ना कर देता हूं, मैं शादी में बिजी हूं, मेरे को उधर जाना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ऐसी बार बार नहीं आती। तो आपको यस ही कहना है, और टाइम भी उनके हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग हो आपके यहाँ पे या फिर लेट नाइट हो, वट एवर इट इज, वो उनके हिसाब से ही होगा। तो वो आपको अपडेट कर देंगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि एम्स्टरडेम के टाइम के हिसाब से आपका इंटरव्यू इतने बजे होगा। तो आप इंटरनेट में चेक कीजिए कि एम्स्टरडेम में जब 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा है, अकॉर्डिंगली अवेलेबल रहिए। इंटरव्यू 90% केसेस में जो होता है वो ऑनलाइन होता है, कैमरे पे होता है, और 10% केसेस में कॉल्स पे भी होता है। तो वट एवर इट इज, आपने अवेलेबल रहना है। और वो लोग टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं, अगर उन्होंने एम्स्टरडेम के हिसाब से 2 बजे का टाइम दिया है तो वो 2 बजे बिल्कुल ऑन मिलेंगे कैमरे पे आपको। तो आपके उनके टाइम से हिसाब से भी 5 मिनट पहले अपने आप को लॉग इन कर लेना है, और बहुत अच्छे से ग्रूम्ड होके आप वहां पे इंटरव्यू दीजिए। कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आप साफ सुथरे दिखने चाहिए। कोई फंकी सा हेयर स्टाइल या फंकी सी दाढ़ी बना के और टी शर्ट वगैरह टी वगैरह में या बॉक्सर्स में बैठ के वहां पे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब जब आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपके पास आता है। वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो होता है वो वैलिडेटेड होता है वहां के लॉयर, उस कंपनी के लॉयर, उस कंपनी के सीए के द्वारा। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर को देखें और अपना कंसेंट कंपनी को दे दें कि जी मैं एग्री करता हूं इस आपके कॉन्ट्रैक्ट से, आई एम हैप्पी टू ज्वाइन यू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है कि वहां पे वो कंपनी और वो लॉयर जो होता है, जो उन्होंने ऑथराइज किया आपके केस के लिए, वो आपके लिए रेजिडेंस परमिट या वर्क परमिट का अप्लाई करता है, एप्लीकेशन फाइल करता है। वो पास हो जाने के बाद फाइनल स्टेप आता है, वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट लेनी होती है नीदरलैंड्स की, और जो रेजिडेंस परमिट, वर्क परमिट कॉन्ट्रैक्ट लेटर के साथ अरेंज करके एम्बेसी में सबमिट करा देने होते हैं। वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट्स आपको VFS के थ्रू नहीं मिलती, डायरेक्ट एम्बेसी में ही सबमिशंस होते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो चेकलिस्ट में लिखे होते हैं, सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये भी है। देखिए ये ना वेरी करता है, ये पोजीशन के ऊपर, वैकेंसीज के ऊपर, और जो कंपनी आपको हायर कर रही है उसके बैकग्राउंड के ऊपर वेरी करता है। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं जो मांगे जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वैसे कम ही मांगे जाते हैं। इसमें आपका जो पास्ट रिकॉर्ड है, यानी आपके एजुकेशनल, हो सकता है कि आपने वहां पे किसी टेक्निकल जॉब में अप्लाई किया है, उस कंपनी ने आपको हायर भी कर लिया। यहाँ पर एम्बेसी वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो कि आपकी, आपने कौन सी ऐसी डिग्री लिया टेक्नीशियन की या टेक्निकलिटी आपके पास कहां से आई, तो वो ये सारी चीजें देखना आपसे मांग सकती है। तो आपके डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट यहाँ पर चेक हो सकते हैं। उसके अलावा आपका रिज्यूमे जो है वो जाएगा, यहाँ पे अपडेट होगा, और ये भी वेरी मच पॉसिबल है कि एम्बेसी भी आपका इंटरव्यू ले। ट्रस्ट मी, अगर आपने पहले वाला इंटरव्यू पास कर दिया तो एम्बेसी वाला इंटरव्यू पास करना उससे ज्यादा आसान होता है। पहला इंटरव्यू फिर भी टफ होता है, एम्बेसी का इतना टफ नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है कंपनी या फिर उनके ऑथराइज कंसल्टेंट्स। लेकिन जो सेकंड इंटरव्यू एम्बेसी आपसे लेती है उसमें इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसमें डॉक्यूमेंटेशन में आपकी पूरी फैमिली की बैकग्राउंड भी मांगी जा सकती है, बैकग्राउंड इन द सेंस उसकी आईडी प्रूफ, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप मैरिड हैं तो उस केस में आपका मैरिटल सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट मांगे जा सकते हैं। उसके अलावा आपके जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आपको कोई भी जानलेवा बीमारी नहीं है, वो मांगे जा सकते हैं। और आपका पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट, वो तो डेफिनेटली मांगा जाएगा, जिसमें ये सारा डिक्लेयर हो कि आपके ऊपर कोई भी केस नहीं चल रहा है और आप एक पूरे जिम्मेदार नागरिक हैं। अब ये कहां से मिलता है PCR, ये सिंपल है, आपके एरिया की जो भी पासपोर्ट अथॉरिटी है आप वहां पर जाकर इसे बनवा सकते हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हालांकि इसमें टाइम लगता है, 2-3 चक्कर जरूर आपको वहां की अथॉरिटी के काटने पड़ सकते हैं। तो एक बार PCR आ गया, मेडिकल आ गया, रेजिडेंस परमिट, वर्क परमिट आपके पास है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वर्क परमिट आ गया, ये सारी चीजें आपने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपॉइंटमेंट के टाइम पे सबमिट करा देनी है, दैट्स इट। और उसमें फाइनल चीज रह जाती है आपको अपने रिजल्ट को वेट करना। तो ये था नीदरलैंड का वर्क वीजा। ये कई बार क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट होते हैं, पासपोर्ट में अलग नाम है तो आपके जो डिग्रीज हैं उन पे अलग नाम है, उस केस में कोर्ट के एफिडेविट बनवाए जा सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के एफिडेविट बनवाए जा सकते हैं, जिसमें डिक्लेरेशन हो कि दोनों ही नेम सिंगल पर्सन के हैं, कोई अलग इंडिविजुअल्स नहीं है। तो ये इस तरीके से वेरी करती हैं सारी चीजें, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस यही है। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये सारी चीज आप खुद भी कर पाएंगे और अपने पैसे बचा पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है सारी डिटेल्स आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स लेकर भी आपके पास बहुत जल्द आएंगे। कोई क्वेश्चन कंसर्न हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी हम अपलोड करेंगे।
अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।